सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि अगर आपकी नई एनजीओ है, आपने कोई नई एनजीओ बनाई है अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में, और उसके लिए आपको फॉर्म 10A भरना है, खुद से भरना है, और उसमें 12A के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। गाइज, मैं इसके लिए दो वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक पार्ट वन एक पार्ट टू बनाऊंगा। दूसरी पार्ट वन के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ कि फॉर्म 10A आप भरना सीखेंगे 12A के लिए, अगर आपको 12A अप्लाई करना है। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो दोस्तों बनाऊंगा फॉर्म 10A आप भरना सीखेंगे 80G के लिए, और ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ न्यूली फॉर्म्ड एनजीओ के लिए, जो नई एनजीओज बनी है उनको कैसे अप्लाई करना है फॉर्म 10A में 12A के लिए। गाइज, मेरे पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इन चीज़ों को लेकर, सिर्फ कि आप जो है सेपरेट सेपरेट हमें दो वीडियोस बना के दो, क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि हमें कौन सा सेक्शन कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना है अगर हमें 12A अप्लाई करना है, 80G अप्लाई करना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन उसको दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए, लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले आपने खोलनी है इनकम टैक्स की वेबसाइट, incometaxindiafiling.gov.in पे जाना है। आपने लॉगिन करना है अपने एनजीओ के क्रेडेंशियल से, उसका जो भी यूज़र आईडी है ऑब्वियसली, जैसे पैन नंबर है और उसका जो पासवर्ड है, यहाँ पे उसको मेंशन करना है। पैन नंबर डालेंगे, देन कंटिन्यू ये आपने इनेबल करना है, देन आपने पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल दिया, देन कंटिन्यू। सो दैट ये हमारा खुल जाएगा हमारी एनजीओ का डैशबोर्ड। जैसे इस वाले केस के अंदर मैं अभी सेक्शन 8 कंपनी, जो कि एक एनजीओ का रूप होती है, सेक्शन 8 कंपनी जो कि न्यूली फॉर्म्ड सेक्शन 8 कंपनी है, न्यूली फॉर्म्ड एनजीओ है, उसको आपको भरना सिखाऊंगा फॉर्म 10A कैसे भरा जाएगा 12A अप्लाई करने के लिए। सो गाइज, हम जाएंगे ई फाइल पे, जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म में, जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जाना है इस वाले ऑप्शंस में, पर्संस नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म जो सेलेक्ट करना है, फॉर्म सेलेक्ट करना है 10A फॉर टैक्स एग्जम्पशन रिलीफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इंटीमेशन अप्रूवल और प्रोविजनल अप्रूवल। गाइज, ऑब्वियसली पहली बार कोई एनजीओ अप्लाई कर रही है, एक नई एनजीओ जो अभी बनी है वो फॉर्म 10A में अप्लाई कर रही है। सो गाइस, सबसे पहले प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है, उसको मिलेगा क्या 80G 12A का जो न्यू प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसको कहेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगा। तो फाइनल नाउ पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23-24, ऑब्वियसली हम आज की डेट में कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट होगा, देन कंटिन्यू करेंगे, देन लेट्स स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजन रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन अप्रूवल और प्रोविजन अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A 1023C 80G और 35, यानी कि फॉर्म 10A की बात होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइज, हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रहा है, आप देख सकते हैं कि हमें पूरा जो फॉर्म है 10A, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स के अंदर पूरा फॉर्म जो है वो भर देना है। तो सबसे पहले हमारी जो है इनकॉर्पोरेशन की इन्फॉर्मेशन आने वाली है, इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स आने वाली है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन डली है वो ठीक है कि नहीं है, आपका पैन नंबर है, आपका नेम है, एड्रेस है, देन आपने सेक्शन कोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस आए थे कि सर हमें कौन सा सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है अगर हमें 12A अप्लाई करना है। सो गाइज, हमें यहाँ पे सेक्शन कोड जो सेलेक्ट करना है, वो हमें सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है 02। यस, हमें 12A के लिए 02 कोड सेलेक्ट करना है। गाइज, अभी ये फॉर्म अपडेट हो चुका है, पहले यहाँ पे सारे कोड आ रहे थे, 1 से लेके पूरे 11-12 जितने भी कोड थे सारे आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ रेलेवेंट कोड ही आ रहे हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपने सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने इस केस में 10A अप्लाई कर रहा हूँ 12A के लिए, तो आपने सेक्शन कोड 02 सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है अपनी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ की, आपका क्या नेचर है, चैरिटेबल, रिलीजियस और रिलीजियस कम, जैसे इसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है चैरिटेबल है। और टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैं सेक्शन 8 कंपनी कहाँ पे कर रहा हूँ, तो कंपनी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वेदर जो आपकी ये इस्टेब्लिश, क्या ये इस्टेब्लिश है किसी इंस्ट्रूमेंट में, ऑब्वियसली जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड होती है, वहाँ से उसको एक सिन नंबर मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, इसको यस करेंगे। और यहाँ पे आप डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालेंगे,
गाइस यहाँ पे आपने डालना है इनकॉर्पोरेशन नंबर यानी कि सिन नंबर। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है जिस अथॉरिटी ने आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया है उस अथॉरिटी का यहाँ पे आपने मेंशन करना है नाम। अब गाइस आपने सेलेक्ट करना है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पांचवा नंबर जो पॉइंट है मेरे फॉर्म में कि ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे एप्लीकेंट के, यानी कि जो न्यूली फॉर्म एनजीओस के ऑब्जेक्ट्स क्या है, रिलीजियस है, रिलीफ ऑफ पुअर है, एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ है, योगा है, या प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है, या मॉन्यूमेंट्स है, या एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव, एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द जनरल पब्लिक। तो आपको अपनी जो भी ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड को पढ़ के समझ आ जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके बायलॉज को देख के आपको समझ आ जाएगा, या फिर अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के जो बायलॉज है उसमें देख के आपको समझ आ जाएगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या बेसिकली आपका उद्देश्य है एनजीओ बनाने का, क्या काम आप उसके अंदर करने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ जो बेसिकली मैं कह सकता हूँ एक्टिविटीज आप करने वाले हो एनजीओ के अंदर वो सिलेक्ट करनी है आपने। जैसे हम इस केस में रिलीजियस, रिलीफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा एंड एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेदर ट्रस्ट इट कंटेन क्लॉज ट्रस्ट इज एप्लीकेबल, गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये एनेबल है क्योंकि हम ट्रस्ट का तो भर ही नहीं, हम तो किसका कर रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी का कर रहे हैं, तो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ट्रस्ट का जो इरेवोकेबल का कॉन्सेप्ट है वो आता ही नहीं है क्योंकि वो ट्रस्ट है, ये सेक्शन 8 कंपनी है। उसके बाद सेव कर देंगे, जैसे आप सेव करोगे तो ये हमारी जो पहला जो पॉइंट था इसके अंदर वो पूरा कवर हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सातवें पॉइंट में कि क्या जो हमारी एनजीओ है क्या वो किसी और चीज़ में रजिस्टर्ड है, या तो इनकम टैक्स के किसी प्रोविजन में रजिस्टर्ड हो, या एफसीआरए में, या दर्पण में। तो यस और नो आपको अपने बेसिस पे सेलेक्ट करना है। क्या पहले कभी एप्लीकेशन आपने अप्लाई करा और क्या रिजेक्शन मिली हुई है, ये अप्लाई करना है। क्या आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 10 क्लॉज 21 की एग्जेम्पशन जो रिसर्च के रिलेटेड होती है, तो वो भी इसके अंदर नहीं होगी हमारे केस में अभी, देन सेव करेंगे। सेकेंड वाला भी आपका दोस्तों पूरा हो गया है। अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपने की पर्सन जो है, यानी कि अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूँ तो कम से कम दो लोग डायरेक्टर हो सकते हैं, तो इस केस में जैसे तीन है तो आपको सबके सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं उन सब की यहाँ पे डिटेल्स डालनी ज़रूर है, आपको यहाँ पे ऐड करने हैं उनकी डिटेल। जैसे इस केस के अंदर आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने डायरेक्टर ऐड करना है, या कैसे आपका जो मेंबर है ट्रस्ट का या सोसाइटी का, कैसे अपने जो की पर्सन है वो कैसे ऐड करने हैं पॉइंट नंबर 9A के अंदर। तो सबसे पहले आपने डालना है उसका नाम, देन उसके बाद उसका रिलेशन क्या है, देन ऑब्वियसली उसका आईडी कोड मतलब आप पैन नंबर, आधार नंबर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं आधार नंबर लेता हूं तो आधार नंबर आपने डालना है यहां पे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दिया आपने। जैसे इस केस में मैंने आधार नंबर सेलेक्ट किया तो मैंने उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार नंबर डाल दिया। आप मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। और दोस्तों आपने डालना है यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, की पर्सन का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है आपने। सो गाइज हमने ये कंप्लीट एड्रेस डाल दिया, अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो गाइज जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टर को भी ऐड कर दिया, यानी कि एक की पर्सन को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ऐसे ही आप जितने भी ट्रस्ट में मेंबर्स हैं उन सबको ऐड करेंगे, सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ऐड करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी में जितने मेंबर हैं उन सबको ऐड करेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स ऐड कर दिए और आपको यहाँ पे करना है सेव। जैसे आप सेव करेंगे तो हमारा तीसरा भी जो डिटेल है वो कंप्लीट हमने कर दिया है। अब आप आ जाइए डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये आपको जो भी रीसेंट आईटीआर आपने फाइल करी है उसके बेसिस पे यहाँ पे डालना है, रीसेंट आईटीआर के बेसिस पे। लेकिन जैसे मैंने बताया न्यूली फॉर्म्ड एनजीओ है, अभी तक कोई आईटीआर नहीं गई है, और इवन जो उसका रिटर्न फाइल करने का टाइम है वो भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। राइट, न्यूली फॉर्म्ड एनजीओ है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, और आप इसको यहाँ पे 00 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपने इनकम डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आपने अगर कोई भी इनकम ग्रांट्स रिसीव करी है आप पर आपकी एनजीओ ने तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है पिछले 3 सालों में। लेकिन मैंने बताया कि अभी रिसेंट बनी है, 2 महीने भी नहीं हुए हमारी एनजीओ को बने हुए, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करके लेटेस्ट वाला उसमें 00 डाल सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एंड देन सेव। गाइस रिलीजियस एक्टिविटी यहाँ पे आपको नहीं भरना है, आप देख सकते हैं कि इसको हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। रीज़न क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए थे, तो वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि आपकी जो
जो एनजीओ है वो क्या नेचर ऑफ एक्टिविटीज करने वाली है, उसका जो पर्पस है क्या वो रिलीजियस है, चैरिटेबल है, रिलीजियस कम चैरिटेबल है, तो हमने वहाँ पे चैरिटेबल सेलेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा भरने के लिए। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, आपने डायरेक्टर का जो भी नाम है वो चेक करना है, साथ में उनका फादर का नाम डालना है और ये एनेबल करना है, और उसके बाद सेव कर देना है। सेव गाइस, हमारे सारी की सारी जो डिटेल्स हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अटैचमेंट्स का, कि अब यहाँ पे क्या क्या अटैच करना है। आपकी न्यूली फॉर्म्ड एनजीओ है, बिल्कुल अभी 2 से 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उसका 10A प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, तो उसमें क्या क्या हम अटैचमेंट्स डालेंगे। हालांकि प्रोविजनल अटैचमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और गाइज, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अटैचमेंट्स आप करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे लगाने वाले हैं, अटैच करने वाले हैं, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे या जिप फॉर्मेट में होंगे, राइट। और उस जिप के अंदर भी सिर्फ पीडीएफ फॉर्म ही आएगी, कोई अदर फॉर्म नहीं लेगा। जेपीजी आप अगर जिप में डालेंगे तो नहीं लेगा, एरर दिखा देगा, तो इसलिए पीडीएफ या जिप आपको सेलेक्ट करना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि 5 MB से ज़्यादा की आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अगर एक सिंगल अटैच कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो आप, और टोटल सब कुछ मिला के, सारी अटैचमेंट्स मिला के 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो बात करता हूँ पहले पॉइंट की, कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने जैसे बताया मैं एनजीओ का बता रहा हूँ आपको, सेक्शन 8 कंपनी है, तो यहाँ पे उसका MOA और AO यहाँ पे अटैच करना है। और गाइस, दूसरे ऑप्शन में भी आपको MOA सेलेक्ट करना है। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे आपको डालना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में जो सर्टिफिकेट मिला, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे अटैच करना है। देन आपसे पूछेगा सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने FCRA लिया हुआ है तो ये अटैच करना है, मैंडेटरी नहीं दे रखा है यहाँ पे। अब गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर यहाँ पे तो ये जो मैंडेटरी दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप रेड निशान है, यहाँ पे रेड स्टार यहाँ पे दे रखा है कि ये यहाँ पे अटैच करना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या कहता है कि आपको जो है पिछले कम से कम 3 सालों की, अगर आपकी पुरानी 3 साल से पुरानी अगर एनजीओ है तो यहाँ पे उसके फाइनेंशियल्स, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर की कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है। सो गाइस, सिंपली आप यहाँ पे कैंसिल चेक की कॉपी अगर अकाउंट खुलवा लिया है तो वो लगा सकते हैं नए एनजीओ के केस में, इवन बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। या दोस्तों सिंपली आप अपने एक लेटर हेड पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमारी नई एनजीओ अभी रिसेंटली फॉर्म हुई है, और उसको सर्टिफाई करके डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। गाइस, मैं बात करता हूँ इस वाले पॉइंट की, इसमें आपको कुछ भी एज सच नहीं मेंशन करना है, ना ही यहाँ पे बात करता है अगर ऑडिट रिपोर्ट है तो ऑडिट रिपोर्ट मेंशन करनी है, लेकिन हमारी बिल्कुल न्यूली फॉर्म एनजीओ है तो उस केस में कुछ एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड अभी एक्सपायर हो चुका है रिटर्न फाइल करने का, तो ऑब्वियसली आपके पास सब कुछ हैंडी होना चाहिए, तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे लगानी है। लेकिन अगर न्यूली फॉर्म एनजीओ है, टाइम अभी जो एक्सपायर नहीं हुआ है ATR फाइल करने का, तो आप इग्नोर कर सकते हो। देन उसके बाद अगर सेक्शन 12A आपको पहले मिला हुआ था, उसकी जो कॉपी है वो यहाँ पे आपको अटैच करनी है। और लास्ट में आपको यहाँ पे अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप जो है सिंपली KYC जो होती है डायरेक्टर्स की, वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट KYC ऑफ द डायरेक्टर्स, देन इसको कर देंगे आप सेव। सो गाइज, ये मैंने कंप्लीट फॉर्म आपको भरना सिखा दिया, फॉर्म 10A न्यूली फॉर्म एनजीओ, बिल्कुल नई एनजीओ बनी है, उसका 12A आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपने मेंशन करनी है, और कोई परेशानी दोस्तों इसके अंदर नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी इस फॉर्म के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। गाइज, इसको करेंगे प्रीव्यू। देन प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से जरूर आप डाउनलोड जरूर करना है फॉर्म को, आपको हमेशा डाउनलोड पे क्लिक करें और डाउनलोड आपने फॉर्म कर लेना है। और उसके बाद आप जाएंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, प्रोसीड टू ई वेरीफाई, देन प्रोसीड टू ई वेरीफाई यस। देन आपको DSC से वेरीफाई करना है क्योंकि ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, राइट। अगर आपका ट्रस्ट होती या सोसाइटी होता तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि हम आधार KYC यानी कि डायरेक्टर या मेंबर्स के जो भी आधार KYC है उसके थ्रू भी यहाँ पे उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक सेक्शन 8 कंपनी है तो इस केस में हमें DSC के थ्रू ही वेरीफाई करना है। देन कंटिन्यू वैसे आपने करना है कंटिन्यू, DSC लगा देने हैं। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है DSC, देन डालना है पासवर्ड, देन साइन। अब दोस्तों आपसे पूछेगा ये फाइनल कंफर्मेशन कि आर यू
श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द फॉर्म 10A? यस। तो जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म 10A है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपकी न्यूली फॉर्म एनजीओ है, नई एनजीओ बनी है और उसका आप फॉर्म 10A भरना चाहते हैं, फॉर्म 10A भरना सीखना चाहते हैं, तो उसको कैसे भर सकते हैं 12A अप्लाई करने के लिए। 12A मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। 80G के लिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा दोस्तों, फॉर्म 10A के लिए ही, तो दूसरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों, इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन उसको दबाएं, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।